हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सब। आज हम फिर जा रहे हैं घूमने और आप भी हमारे साथ जाओ। अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं, और हमारे फ्रेंड्स भी जा रहे हैं, वो आगे के लिए जाते हैं। ओके चलो चलते हैं। चलते हैं, बाय। नो नो चलो, नो, बाय नहीं। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं तामराम रेलवे स्टेशन। आप देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं वहाँ पे कैसे लोकल ट्रेनें होती हैं। ठीक है, कैसी होती है, कैसे चलती है, कितना फास्ट चलती है। ठीक है, तामराम रेलवे स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे सीधा, जो कि आपके सरप्राइज है। और यहाँ से हम ड्रॉप करना चल रहे बीच, जो कि एक रेलवे स्टेशन है। और अभी हम ट्रेन में बैठेंगे और फर्दर वो वीडियो आपको ट्रेन में मिलेगी। गाइस, रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ लगी है, और अभी हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे चेन्नई बीच के लिए। कितनी खचाखच भरी हुई है, लोकल ट्रेन है जैसा कि मुंबई में भी है। बैठ चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिएगा फ्रेंड आगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेन के मजे कर रहे हैं। हेलो आयुष, क्या कर रहे हो आयुष? आयुष के पापा क्या कर रहे हो, मजे आ रहे हैं? हाँ, आज हम निकले हैं, है ना। अभी तो चीज कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, मजे करेंगे। अभी आयुष चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हम मार्केट में आ चुके हैं चेन्नई की, बहुत ही अच्छी मार्केट है चेन्नई की मार्केट है। कितना सुंदर व्यू आ रहा है, दूर तक जितनी दूर तक आप देख पा रहे हैं, मार्केट ही मार्केट है। जैसा कि आप दूर तक देख रहे हैं वहाँ से, और ये वहाँ तक ही जहाँ तक लास्ट तक आप देख पा रहे होंगे, ये सब फोन की मार्केट है, फोन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मार्केट है वहाँ से और यहाँ तक सारी। जैसा कि आप दूर तक देख पा रहे होंगे, देख रहे हैं ये चेन्नई का SBI की मेन ब्रांच है चेन्नई में, और बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। ये बिल्कुल चेन्नई बीच के सामने है। अभी हम यहाँ पे फ्रूट चाट खाएंगे, और कुछ बंदे आइसक्रीम खा रहे हैं। आयुष देखिएगा आइसक्रीम खा रहा है। आप क्या फ्रूट चाट लेना चाहते हैं? हाँ, नहीं। देखो कैसे डेकोरेट करके बनाई है, कितनी तरह की है भाई। हर गिलास में देखो इसमें पपाया, ये क्या है, क्या पाइन एप्पल, मैंगो, वो कच्चा मैंगो, पपाया, ये मिक्स है, वाटर मेलन, पाइन एप्पल, खीरा, वो देखे, वो बेर है, बेर, बेर से बनी। देखिएगा बेर खा रहे हैं, और मेरे हाथ में देखिएगा क्या है, ये मिक्स है, ये बेर। मसाला भी, मसाला डलवा ले इसमें। हाँ, मसाला। बहुत मसाला डाल दिया है। देखिएगा अभी हम कहाँ पहुँच चुके हैं। देखिएगा अभी हम जयललिता मेमोरियल एंड MGR मेमोरियल पहुँच चुके हैं, और इसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। क्या फ्रेंड, अभी हम आ चुके हैं चेन्नई का जो बीच है, जिसको मेन बीच बोला जाता है, मरीना बीच, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बीचों में काउंट किया जाता है। और देखिएगा अभी धीरे धीरे हम बीच की तरफ बढ़ते हुए, और यहाँ पे आज संडे है, देखिएगा कितना ज़्यादा क्राउड है, यहाँ पे बहुत पब्लिक आई हुई है। और आज
ईयर का लास्ट दिन है तो इसलिए और भी ज्यादा पब्लिक आई हुई है क्योंकि सभी की छुट्टी है आज। देखिएगा बहुत ही ज्यादा क्राउड है यहाँ पे। और अभी हम आपको बीच के पास का व्यू दिखाएंगे, जहाँ तक आप देख रहे हो, जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है, देखिएगा क्राउड ही है। देखिएगा आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से व्यू, देखिएगा वहाँ बीच है लास्ट में, और देखिए कितना क्राउड है ये यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्राउड है, क्राउडेड एरिया है अभी। जब हम पिछली बार घूमने आए थे तो हमने अपने ड्रोन से ये शूट किया था और बहुत ही सुंदर नज़ारा, और थोड़ा सा हमने बीच से दूर से शूटिंग की थी ये, और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखिएगा ड्रोन का व्यू। और मैंने ये वीडियो पूरी वीडियो बनाई थी तो इसके शॉर्ट्स मैंने इसमें डाले हैं जिससे कि आपको अच्छा लगे एरियल व्यू देखते हुए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखिएगा गाइस, देखिएगा कैसे लहरें दिख रही हैं। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप लगी हुई है, ये पर्स है, ये बैंगल्स है, आइए चलो दिखाती है, छोटी छोटी शॉप है। और आज संडे की वजह से भीड़ बहुत ज्यादा है तो इसलिए सांस नहीं आ रही है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। आयुष टॉयज देख रहा है, अरे क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं जगह जगह पर कहीं टॉयज की शॉप है, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक की शॉप है। इनसे होते हुए अभी बीच पे पहुंचेंगे और आपका बीच का व्यू दिखाएंगे। देखिएगा यहाँ पे बहुत, देखिए यहाँ से ही मिट्टी स्टार्ट हो गई है, समुद्र की मिट्टी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ आज संडे है तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए हम भी धीरे धीरे जा रहे हैं और देखते हैं। प्रियंका जी बोल रही हैं आज संडे है तो बहुत ज्यादा क्राउड है तो इसलिए अभी हम जो बीच की तरफ है दूसरे रास्ते से जाएंगे, शॉप के बीच से नहीं जाएंगे। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, चाय पानी सबकी व्यवस्था है यहाँ पे, हर चीज की व्यवस्था है। क्योंकि चेन्नई में जितने भी हम बाकी बीचों पे घूमे हैं वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको खाने की सुविधा नहीं मिलेगी, आपको खेलने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इवन जो ब्लू फ्लैग बीचेस है उन पे भी नहीं मिलती है सुविधा। यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुविधा है, बस इस बीच का एक ही ड्रॉबैक, झूले वगैरह भी है। जी 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 यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं, ये ले लो, और ये ले लो। यहाँ पे आप घोड़े की सवारी भी कर सकते हैं, देखिएगा इनको घोड़ों को हायर करके आप इनकी सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये पुलिस वाली वैन भी खड़ी है, देखिएगा इसके टायर, देखिएगा इस वैन के क्यों ऐसे टायर है, क्योंकि ये रेत, बाकी वैन नहीं चल पाएगी रेत में। और देखिएगा बच्चों के लिए कितना अच्छा यहाँ पे ये पूरा जो ग्राउंड, बोलना चाह रही हूँ देखो जिसको घोड़े पे बैठना है वो घोड़े पे बैठ जाइए, जिसको पैदल चलना है वो पैदल चल सकते हैं, और जिसको झूलना है कार में वो झूल सकते हैं। प्लीज पीछे देखिए, आपके देखिएगा मेरे पीछे सीधा है घोड़ा आ गया था भाई, नो देखो सभी घोड़ों पे नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे की 41 इस पे 54 और देखिएगा 53। जैसे कि आप तुम्हारे हवाले वतन साथियों जो मूवी थी ना उसमें घोड़े पे नंबर लिख के, देखिए अमित कुमार जी निशाना लगाते हुए, टू बलून्स या कितने करने, 50 रुपीज आई विल शॉट ईच एंड एवरी, देखिए वन मोर, दिस वन इज 41 शॉट, देखो 41 शॉट मत दे दो, बीच की तरफ प्रस्थान करते हुए आपको दिखाते हैं मरीना बीच। देखिएगा जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे दूर दूर तक ये सब मरीना बीच है, मरीना बीच की सैंड जो देख रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा स्पेशल तरह के जो ट्रैक्टर के व्हील हैं वो स्पेशल तरह के, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी है देखिएगा सैंड है, ये सब सी सैंड है, देखिएगा ये रेत है, यहाँ पे स्लिप करते हैं टायर, जो प्लेन टायर वाली गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर चल नहीं पाएंगी। अभी प्रियंका जी कुछ बताना चाहती हैं आपको,
मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि सुबह ठंडा था, मौसम अच्छा था, थोड़ी सी धूप। और ये भैया को देख, कहाँ से भैया? मथुरा का। ये मथुरा के भैया हमें जो मिले हैं, यूपी के रहने वाले। तो देखो भैया मिल गए हिंदी वाले, वरना हिंदी वाले कम मिलते हैं। देखिएगा पेट के लिए बंदे को कहाँ कहाँ तक आना पड़ता है, ये बताता है कि कितनी बेरोजगारी है हमारे देश में। क्योंकि लोगों को यदि मथुरा में ही रोजगार मिल जाता तो वो बंदा यहाँ तक क्यों आता। वीडियो वहीं पे दिखाएंगे, वहीं पे शूट करेंगे। और हमारे साथ हमारे जो दोस्त आए थे, हम उनका ही वेट कर रहे हैं। वो हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। सामने मेरी फिंगर के सामने जो टावर है, इसको हम मद्रास का रेडियो टावर भी बोलते हैं। यहाँ से जितने भी मद्रास के चैनल जो हैं वो एक्टिव होते हैं यहाँ से। और देखिएगा ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला आपका वाटर डिपार्टमेंट है, सामने जो फिंगर के सामने है एग्जैक्ट। देखिएगा जूम करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ वाटर डिपार्टमेंट है। आयुष! और ये पीछे, इसके पीछे एग्जैक्ट जो ये लाइटें दिख रही हैं आपको, ये स्टेडियम है यहाँ पे। लास्ट टाइम जब हम मरीना बीच घूमने आए थे, तब हमने ये वीडियो शॉट की थी अपने ड्रोन से। और देखिएगा तब यहाँ पर इतना क्राउड नहीं था जो कि आज आपको देखने को मिल रहा है। और ये वीडियो मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड से निकाल करके आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत ही सुंदर नज़ारा था उस टाइम मैंने जो ड्रोन उड़ाया था परमिशन लेने के बाद। और देखिएगा बहुत ही सुंदर नज़ारा, वो सामने जो आपको दिख रहा है वो स्टेडियम है। नाइस। ये किस किस ने देखा है अपने गांव में, जिसपे कोई लड़की बैलेंस करके या कोई बच्चा बैलेंस करके चलता था। ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। ये जिसने देखा है, जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। क्या दोस्तों, यहाँ जो पूरा मेला लगा हुआ है, इसका आपको पूरा विजिट कराएंगे और आपको दिखाएंगे। पे देखिएगा क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, केले के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, गोभी के पकोड़े, आलू के पकोड़े सभी तैयार हैं यहाँ पे। देखिएगा मिर्ची पकोड़ा सभी आपको खाने के लिए मिल जाएगा। देखिएगा मैंने फर्स्ट टाइम चेन्नई में नल को चलते हुए देखा है, सरप्राइज मोमेंट है। देखिएगा यहाँ नल चल रहा है, हमारे यहाँ पे यूपी वगैरह में नल चलता है, यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट टाइम मैंने देखा है नल को चलाते हुए। देखिएगा बीच के साइड में देखिएगा कैसे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फिशेस खाने के लिए मिलेंगी, कितना अच्छा लगेगा आपको खा करके। जो कि नॉनवेज खाते होंगे, फिश खाने के शौकीन होंगे, प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर आइएगा। देखिए स्टार फिश भी है यहाँ पे, यहाँ पे शंख का स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से आप शंख ले सकते हैं। और इनका कॉस्ट अका प्राइस 150 रुपीज़। देखिएगा इस शंख का प्राइस है 150 रुपीज़। यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है जो पूरा शंख का है, सी सेल का पूरा स्टॉल है ये। और देखिएगा अक्का बजा के भी दिखा रहे हैं। भुट्टा होता है, भुट्टा उसको बॉईल करके दिया जाता है, और मैंगो की स्लाइस काट के। देखिएगा ये जो मैंगो रखा है सामने मेरे फिंगर से जो दिखा रहा हूँ मैं, इसकी स्लाइसें हैं। और ये मक्के का भुट्टा है, हाउ मच प्राइस? 40 and 30 rupees का प्राइस है यहाँ। आप देखिएगा कितना फास्ट यहाँ पे समुद्र लहरें ले रहा है। अभी हम प्रियंका जी के पास जाएंगे और आपको व्यू दिखाएंगे यहाँ का। देखिएगा दोस्तों बीच के पास में कितनी भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है आज, क्योंकि आज जो साल का लास्ट दिन है, देखिएगा आज साल का लास्ट दिन है, 31st December है 2023 का आज। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बंदे कैसे कैसे नहा रहे हैं, कैसी कैसी कलाकारी कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे लोग फन कर रहे हैं पूरे। देखिएगा ये कैसे देखे उल्टे सीधे हो रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर आज बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। देखिएगा दोस्तों ये क्या क्या करना चाह रहा है बंदा बीच पे। देखिएगा उल्टा हो गया, बाबा रामदेव जी बीच पे आ गए आज हमारे चेन्नई बीच पे, बाबा रामदेव जी के हमें दर्शन हो गए हैं। बाबा रामदेव जी ढह गए हैं, अभी गिर गए हैं बाबा रामदेव जी। बीच में ज़्यादा दूर तक जाना भी खतरे से खाली नहीं होगा, यदि आप बीच में सही से तैरना नहीं जानते और आपको नहीं पता है तो ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है।
तो मेरी यही सलाह रहेगी, जो भी मेरे सब्सक्राइबर बीच पे आए, प्लीज ज्यादा गहराई तक ना जाएं, क्योंकि जो सैंड है ना बीच की, वो बहुत ही मतलब स्लिप करती है, और नीचे से जब बीच का पानी वापस जाता है समुद्र में, तो सैंड नीचे से निकल जाती है और आप एकदम से कई फुट नीचे में जा सकते हो। तो इसलिए सेफ जोन में ही पानी में घुसें, जितना कि आप रिकवर कर सके, अदरवाइज पानी में ना घुसें। देखिएगा बच्चे यहाँ बीच पे क्या क्या बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, बता रहा अभी, अभी चला के बता दे, फिर मैं बात करूं। आयुष भी जाने वाला था पर आयुष डर गया। क्यों नहीं गया आयुष? क्योंकि वो अंकल थे, वो भी देखो। ओह माय गॉड, कितने और हम आज मरीना बीच पे घूमने आए हैं अपनी अर्धांगिनी के साथ। घूमने आया हूँ मैं, नहीं किसी और की अर्धांगिनी, किसी और की नहीं हो सकती है। तो आपको जाना है क्या, ऐसे बोल रहे हो अपनी अर्धांगिनी? अरे तो अपनी अर्धांगिनी मतलब अपनी अर्धांगिनी तो डाउट कहाँ है। और आज प्रियंका जी ने बीच में बहुत मजा किया है, बहुत ही आनंद। ये बहुत बड़े यूट्यूबर है और हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे सब्सक्राइबर इतने मिले, हमें घेर लिया, बस बड़ी मुश्किल से बच के आए हैं। हम निकल नहीं पा रहे थे, इतने सब्सक्राइबर मिले हमें। और ये दिखा दो घुड़सवारी। हेलो फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे हो ये मरीना बीच के बाहर का है व्यू, आप देख सकते हो यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, जैसे ये मेरी सिस्टर, इधर सिस्टर, आप देख सकते हो। और इधर मैं आपको दिखाती हूँ बैग, ये क्या है, ये बैग है, पता नहीं क्या है ये, इसे तमिल में लिखा हुआ है, मैं नहीं जानती हूँ, वो शायद हाई कोर्ट वगैरह है कुछ वहाँ पे, उधर वो है, हाँ वो है। तो यहाँ पे सब लोग घूम घूम।